द टीवी एन आर आई स्पोर्ट्स देख रहे हो, स्वागत करते हैं। रोज़ की तरह तुहानू लै चलते हैं कबड्डी के नाल जुड़िया पांच वड्डियां खबरां वल। पहली खबर का रुख करते हैं माझा खेत्र के जिला तरन तारण के पिंड मनियाला विखे कबड्डी के शो मैच करवाए गए। इस मौके घरियाला ते फरवाही बैका दीआं टीमां विचकार फसवां मुकाबला वेखण नूं मिलिया। इस फसवें मुकाबले विच घरियाला दी टीम ने 51.5 अंक हासिल करके जित हासिल की है, जबकि हारन वाली टीम 41 अंक ही हासिल कर सकी। दूजी खबर का रुख करते हैं किसानी संघर्ष के शहीदों को समर्पित बैदवान स्पोर्ट्स कबड्डी क्लब वालों खेड मुकाबले करवाने संबंधी एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिस विच समूह अहुदेदारां दी हाजरी विच फैसला लिया गया कि इसे साल कबड्डी मुकाबले नवंबर महीने विच करवाए जाणगे अते कुत्तियां दीआं दौड़ां भी करवाईआं जाणगीआं। तीजी खबर कुछ इस तरह है कि शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब वैलफेयर सुसायटी वालों पिंड जगतपुर सराम विखे मुफ्त कबड्डी ट्रेनिंग कैंप 1 जुलाई को लगाया जाएगा, जिस विच खिडारियों को कबड्डी की मुफ्त सिखलाई दी जाएगी। उगे कबड्डी प्रमोटर जतेंद्र जौल होना का इस विच अहम योगदान दसिया जाता है। चौथी खबर कुछ इस तरह है कि माझे दे उगे खिडारी लाडी शहीदां दा अज जन्मदिन है। पंजाब दे कबड्डी कप्पां विच लाडी शहीदां दीआं कबड्डियां हमेशा चर्चा का विशा रहिंदियां ने। लाडी तो अंक हासिल करना किसी भी जाफी लई आसान नहीं हुंदा। पंजवीं ते आखिरी खबर का रुख करदे आं पिंड कोटली सूरत मल्ली विखे बीते दिन ही करवाए गए कबड्डी शो मैच विच कबड्डी दे हमर वजो जाने जांदे रेडर गग्गी खीरांवाली दीआं जबरदस्त कबड्डियां देखण नूं मिलियां। इस मैच विच गग्गी ने जोरदार प्रदर्शन किया अते जाफियां दी इक ना चलण दित्ती। वधिया प्रदर्शन लई गग्गी नूं बेस्ट रेडर वजो भी चुणिया गया। ਇਹ ਸਨ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਾ ਟੀਵੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ।